हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट इज माय 13th वीडियो ऑफ दिस फर्स्ट लेसन एंड इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू सम क्वेश्चन आंसर्स। मैं इस वीडियो में आपको फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं और ये मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी मैं आज का बना चुका हूं, पर मैं चाहता हूं कि कुछ रिटर्न वर्क भी आप करें। हालांकि रिटर्न वर्क मैंने उस वीडियो में वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स का दे दिया है, फिर भी क्वेश्चन आंसर्स का रिटर्न वर्क भी मैं आपको देना चाहता हूं क्योंकि अगले सैटरडे को आपका टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट के लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे, तो कुछ मटेरियल आपकी नोटबुक में हो जाना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर्स जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको रिटर्न में भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। तो ध्यान से देखिए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो आपको नोटबुक्स में भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। सबसे पहले आप प्रैक्टिस टाइम लिख सकते हैं ऊपर, उसके बाद में टिक द करेक्ट आंसर्स, सही आंसर पे टिक मार्क करें। दीज आर एमसीक्यूज, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अरब्स केम टू इंडिया, अरब लोग जो अरब के लोग थे वो भारत में आए, एज यानी तरह, किसकी तरह आए, रूलर्स यानी राजाओं की तरह, ट्रेडर्स यानी व्यापारियों की तरह, हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों की तरह या स्टूडेंट्स की तरह। तो मैं आपको शो करना चाहूंगा कि इसका आंसर हमने कहां से देख सकते हैं हम। तो अरब के लोग कैसे आए, तो यहां पर देखिए आप, द अरब्स केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स, अरब भारत में आए ट्रेडर्स के रूप में यानी व्यापारियों के रूप में आए। तो हमें इसका आंसर लिखना है ट्रेडर्स वाला करेक्ट करके, तो इसमें आप राइट मार्क कर सकते हैं ट्रेडर्स में, और उसके बाद वन लाइन ब्लैंक तो आपको छोड़नी ही है। क्वेश्चन नंबर 2, ए ग्रुप ऑफ विलेजेस वॉज कॉल्ड, विलेजेस यानी गांवों का जो ग्रुप होता था वॉज कॉल्ड, वो क्या कहलाता था। तो गांवों का ग्रुप क्या कहलाता था मैं आपको बताना चाहूंगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये अपने जो लैंग्वेजेस की बात की थी कि भाषाओं के साथ साथ कई शब्दों के अर्थ बदल गए, तो यहां पर गांव के ग्रुप को क्या कहा जाता था, देखिए, न्यू वर्ड्स सच एज परगना, नए शब्द जैसे कि परगना फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेजेज, विलेजेज का जो ग्रुप होता था उसके के लिए एक नया शब्द प्रयोग होने लगा, परगना। तो देखिए इसमें अपन जो कर रहे हैं उसमें ऑप्शंस हैं परगना, सरकार, बाउली या शिक, तो परगना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, अबुल फजल था एक मोस्ट प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या था वो अबुल फजल, स्क्रिप्ट राइटर यानी कि कोई कथा लेखक, या किंग्स यानी राजा था, कोर्ट क्रॉनिकल्स यानी दरबारी घटनाक्रम लिखने वाला था, या कोर्ट हिस्टोरियन था यानी दरबारी इतिहासकार था। तो मैं आपको शो करना चाहूंगा इसका आंसर, देखिए कहां है ये, अबुल फजल वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्टोरियंस। तो ये जो प्रसिद्ध कोर्ट हिस्टोरियंस हुए हैं आज तक, जो दरबारी इतिहासकार हुए हैं, उसमें से एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट है यानी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है अबुल फजल। तो ये क्या था, कोर्ट हिस्टोरियन था। तो यहां पर आपको अबुल फजल वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्टोरियंस, ये कोर्ट हिस्टोरियंस में से एक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता केम टू इंडिया, इब्न बतूता भारत में आया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द, किसके रूल के समय आया, तो ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इब्न बतूता ये विदेशी लोगों का जो अपन ने पढ़ा था ये रहा, ये देखिए, इब्न बतूता बोर्न इन मोरक्को वॉज वन ऑफ सच विजिटर्स, इनमें से एक इब्न बतूता भी था, ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक्स, तुगलक के रूल के ड्यूरिंग यानी समय में वो भारत में आया, तुगलक्स के ड्यूरिंग में। तो यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं मुगल्स, तुगलक्स, राजपूत्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो तुगलक्स यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एपिग्राफी किसकी स्टडी को कहते हैं,
इंस्क्रिप्शंस की, तो इंस्क्रिप्शंस यहां पर दिया हुआ है इसकी, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आपको करने हैं। रिवर सिंधुज इज कॉल्ड, जो सिंधु नदी है इज कॉल्ड यानी वो कहलाती है, एज यानी तरह है, इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में जो इंडस रिवर है उसको क्या कहते हैं, सिंधु, तो SINDU सिंधु उसको कहते हैं, ये आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर टू, तारीख ई शीर शाही, शेर शाही, तारीख ए शेर शाही इज ए बुक, एक बुक है रिटन बाई, जो कि लिखी हुई है, ये आपको मैं आपको शो भी करना चाहूंगा, तारीख ए शेर शाही जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी हुई है, तो तारीख ए शेर शाही बुक ये यहां पर देखिए, तारीख ए शेर शाही, ये देखिए यहां पर तारीख ए शेर शाही रिटन बाई अब्बास शेरवानी, रिटन बाई अब्बास शेरवानी, तो ये किसके द्वारा लिखी हुई है, अब्बास शेरवानी के द्वारा। तारीख ए शेर शाही इज ए बुक रिटन बाई अब्बास शेरवानी, ये अब्बास शेरवानी के द्वारा लिखी गई बुक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में द विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया होता था, लेटर यानी बाद में केम टू बी कॉल्ड, उसको कहा जाने लगा एज, गांव के मुखिया को बाद में क्या कहा जाने लगा, तो यहां पर हमने जब शब्दों का पढ़ा था कि कैसे शब्दों के अर्थ बदलते गए, देखिए यहां पर द विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड ग्रामनी इन अर्लियर टाइम, पहले विलेज के हेडमैन को ग्रामनी कहते थे, वाइल नाउ ही केम टू बी नॉन एज, अब उसको कहा जाने लगा मुकद्दम, उसको मुकद्दम कहा जाने लगा, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेटर यानी बाद में क्या कहा जाने लगा, मुकद्दम, ये मुकद्दम यहां लिखना है आपको। द चोल पीरियड, चोल जो साम्राज्य साम्राज्य था या चोल जो राजा थे उस उनका जो समय था, इज रिमार्केबल, वो उल्लेखनीय है फॉर इट्स स्कल्पचर, उनकी मूर्तियों के लिए, एंड ब्रॉन्जेज, और उनके कांसे के लिए, कांसे की जो कांसा बनाते थे वो, कांसा एक मेटल है उसके लिए, तो यहां पर ब्रॉन्जेज आएगा, ये लाइन भी इस लेसन में से ही है ली हुई, तो वहां पर ब्रॉन्जेज आएगा यानी कांसे के लिए। और उसके बाद में ट्रू फॉल्स हैं, फटाफट मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, बताइए कौन सा ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर वन, पर्सियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द तुर्क्स, जो फारसी भाषा थी वो कोर्ट लैंग्वेज थी तुर्कों की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये देखिए ये यहां पर, पर्सियन वॉज द कोर्ट लैंग्वेज, ये बात, एंड दे वर सक्सेसफुली, ये देखिए बात किन की चल रही है, तुर्किश इन्वेंटर्स की, इन्वेंशन की, यानी तुर्कियों के आक्रमण की बात चल रही है, और यहां लिखा हुआ है पर्शियन वाज देयर कोर्ट लैंग्वेज, उनकी दरबारी भाषा थी पर्शियन, तो ये बात सही है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इस ये पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द तुर्क्स, तुर्कों की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी, तो ये ट्रू है, इसके लिए आपको टी लिखना है। नंबर टू, द एम्परर लेटर, जो एम्परर यानी बादशाह, लेटर यानी बाद में, केम टू बी कॉल्ड यानी कहे जाने लगे एज पादशाह आलमपनाह, ये बाद में जो राजा थे उनको बादशाह या आलमपनाह कहा जाने लगा, ये भी ट्रू है, यू हैव टू राइट द ट्रू। नंबर थ्री, विक्रम देव चरित वाज रिटन बाई जियाउद्दीन बरानी, विक्रम देव चरित जियाउद्दीन बरानी द्वारा लिखा गया है, ये यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, विक्रम देव चरित, विक्रम देव चरित रिटन बाई बिलहण, ये बिलहण के द्वारा लिखा हुआ था विक्रम देव चरित, तो यहां पर ये लिखा हुआ है जियाउद्दीन बिरानी द्वारा लिखा हुआ था, तो ये फाल्स होगा, इसमें आपको एफ लिखना है। नंबर फोर, द साइंस एसोसिएटेड बाई द कलेक्शन
विज्ञान एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ विद द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की कलेक्शन यानी उनको इकट्ठा करना और उनकी स्टडी करना, इससे जुड़ा हुआ जो विज्ञान है इज नॉन एज न्यूमिस्मेटिक्स, उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, कॉइन्स का जो साइंस होता है उसकी जो स्टडी होती है। तो ये बिल्कुल सही है, टी लिखना है। नंबर फाइव, द टर्म राज तरंगिणी, ये जो राज तरंगिणी जो शब्द है लिटरली मीन्स द स्ट्रीम और किंग ऑफ किंग्स, इसका जो मतलब है राज तरंगिणी शब्द का वो किंग्स का, देखिए यहां पर मैं आपको शो करना चाहूंगा राज तरंगिणी, इसका ब्रैकेट में लिखा हुआ है मीनिंग स्ट्रीम ऑफ किंग्स यानी राजाओं की धाराएं, स्ट्रीम यानी धाराएं, तो ये राज तरंगिणी का मतलब है स्ट्रीम ऑफ किंग्स, और ये यही यहां पर यही बात लिखी हुई है। द टर्म राज तरंगिणी लिटरली मीन्स द स्ट्रीम ऑफ किंग्स, यानी जो ये टर्म है राज तरंगिणी इसका मतलब है स्ट्रीम ऑफ किंग्स यानी राजाओं की धाराएं, तो ये ट्रू है, ये आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स यू हैव टू डू द क्वेश्चन नंबर ए, ए में 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू के, बी में फिल इन द ब्लैंक्स के 4 क्वेश्चन हैं और सी में ट्रू एंड फॉल्स के भी 5 क्वेश्चन हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है, यहां तक का वर्क आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ओके डियर, सी यू एंड बाय।